डेनी रोटो ग्लिकनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपको पता होगा स्वीडन में कुछ दिनों पहले पवित्र कुरान को स्वीडन में जलाया गया। इस विषय पर कुवैत ने स्वीडनिश भाषा के अंदर 1,00,000 कॉपी प्रकाशित करने का फैसला किया। कुवैत के प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में पाकिस्तान एक प्रस्ताव लाया था। इस प्रस्ताव को मंजूरी बुधवार को मिल चुकी है। इस प्रस्ताव पर भारत ने भी अपना समर्थन व्यक्त किया है। गौरतलब है कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ईद उल अज़हा के दिन पवित्र कुरान का अपमान किया गया। कुरान शरीफ का अपमान इराक के एक नागरिक ने किया। नागरिक ने पहले पुलिस से इसकी इजाज़त मांगी, लेकिन पुलिस के मना कर देने के बाद नागरिक ने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने पुलिस के फैसले को स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। स्वीडन में कुरान शरीफ के अपमान के बाद में दुनिया भर में रैली और प्रोटेस्ट किया गया।